अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं आप सब तरीत होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक डोंग डिवाइड के रिव्यू में बताने वाला हूँ कि डोंग की डिवाइड की सेटिंग किस तरह से करनी है और हमने क्या क्या सेटिंग करनी है। ये सारी सारी इंफॉर्मेशन आज इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने लगा। सबसे पहले मैं इसका वो IP लिखता हूँ, जो डोंग की डिवाइड का IP है। उसके बाद ये जैसे मैं ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद और अगर आप मोबाइल पर कर रहे हैं तो आपने डेस्कटॉप वाली सेटिंग लगा लेनी है, फिर वो ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं जहाँ पे ये डिवाइस है, हमने इसकी सारी सेटिंग करनी है, वो हम किस तरह से कर सकते हैं। जैसे हमने सबसे पहले पर सेटिंग ओपन करते हैं और लॉगिन पूछता है, जहाँ पे एडमिन लिखना होता है। एडमिन लिखने के बाद ही आपने थोड़ा वेट करना, उसके बाद ही आपको बहुत सारी सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप उन्हें 3D 4D तब्दील करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑटो को तब्दील करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग 4D 3D 2D ये लिखा हुआ। आपने अगर नेटवर्क चेंज करना है तो कर सकते हैं। अगर आपने वाईफाई का पासवर्ड चेंज करना है तो आप यहाँ से जाके आपने देख सकते हैं, जहाँ से आप इसका डिवाइस का नाम भी नज़र आ रहा है ऊपर, जो हम वाईफाई जो देखते हैं। अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम डिवाइस सिर्फ कंप्यूटर पर चलाते हैं, हमारे पास वाईफाई नहीं है, तो आप वाईफाई अगर डिटेबल करना चाहते हैं तो आप भी यहाँ से डिटेबल कर सकते हैं। फिर आपने अप्लाई कर देना होता है। आज हमारी वीडियो का मकसद सिर्फ ये था कि हम सेटिंग किस तरह से कर सकते हैं और डिवाइस की सेटिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, डोंग डिवाइस की, और ये डिवाइस अनलॉक है। अगर ये डिवाइस अनलॉक ना होती, जहाँ से डोंग 4D लिखा हुआ होता, जहाँ पर कोई भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद है। ये भी अगर आपको ये वीडियो पसंद है ये तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।